इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, हमको करना क्या पड़ेगा? तो मैंने एक चीज तो आपको बता दी, चार काम करना है वो, है ना। इसमें एक बना बनाया सिस्टम है, जो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करेगा उसका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। बोला गया है इस बिजनेस में पर्सन से ज्यादा सिस्टम इंपॉर्टेंट। पर्सन से मेरा मतलब क्या है, आप क्या करते हो कोई माने नहीं रखता। इस बिजनेस में ऐसे लोग जो कभी जूता सिलते थे, चमड़े का काम जिनके घर था, वो लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर गए। वो सब विदेश में जाके बस गए, बेहतरीन घर, एक नंबर की लाइफ स्टाइल जी रहे। और ऐसे लोग भी इस बिजनेस से बाहर हो गए हैं जिनको अपन को लगता है यार ये तो बिल्कुल ज्वाइन करते ही मन बहुत बड़ा बिजनेस कर देगा, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पर्सन से ज्यादा इसमें सिस्टम इंपॉर्टेंट। अब देखो सिस्टम क्या है, ज्यादा नहीं, अगर आप एक साल इस सिस्टम को दिल से फॉलो कर लो, एक साल, मेरा वादा है आपकी इनकम कम से कम 40,000 रुपए महीना होगी। पहले साल ही आप अपने इनकम को 40,000 लेके जा सकते हो। अगर आपने इस सिस्टम को 2 साल अच्छे से फॉलो कर लिया, भी मैं बताऊंगा सिस्टम क्या है, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, यानी 40,000 माने यहाँ पे आप हो जाओगे पिनौती ब्रॉन्ज। पहले साल ब्रॉन्ज, सेकेंड ईयर अगर आपने फॉलो कर लिया तो सेकेंड ईयर आप हो जाओगे प्लैटिनम, यानी प्लैटिनम। और सेकेंड ईयर आपकी जो इनकम होगी वो लगभग लगभग 40 से बढ़ के लगभग 70,000 रुपए महीना आप अपनी इनकम सेकेंड ईयर लेके जा सकते हो, ठीक है, लगभग प्लैटिनम जाके। अगर आपने 3 साल इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर दिया तो यहाँ पे आप अपनी इनकम लेके जा सकते हो लगभग 2.5 से लेके 3 लाख रुपए, यानी एज ए आप एमराल्ड जा सकते हो 3 ईयर के अंदर, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या एक साल फॉलो करोगे 40,000, 2 साल 70,000, 3 साल इतना? और अगर इस बिजनेस में जुड़ के सिस्टम को कभी फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, खाली जुड़ जाने से इनकम नहीं आती। कई लोग बोलते हैं कि 5 साल हो गए पैसा नहीं आ रहा, तुमको भाई जुड़े हो सिस्टम में तो आओ। कितने लोग जानना चाहते हैं सिस्टम क्या है ना, चलो है ना। देखो सिस्टम क्या है, नंबर वन, 1, 2, 3, 4। नंबर वन पे आपको क्या करना है, सिस्टम क्या है, पहला सिस्टम कहता है कि आप अपने अपलाइन से बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप कर लीजिए जो आपको इस बिजनेस में लेके आए। अगर आपके अपनी अपलाइन से अच्छे संबंध है, इसका मतलब कि आप सिस्टम में है। क्या आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी? हमेशा ध्यान दीजिएगा, दुनिया आपकी टांग खींचेगी लेकिन अपलाइन आपकी हाथ खींचता है आपको सक्सेस करने के लिए। हमको किसके साथ रहना, हेलो। कभी कभी लोग महीने महीने भर अपलाइन को फोन नहीं लगाते, उनके पास जाते नहीं है, उनके पास बैठते नहीं है। हमेशा सोचना, देखिए अपलाइन का बिजनेस हमसे बड़ा है, और जिसका जितना बड़ा बिजनेस होता है ना, उसके बॉडी के अंदर से वो सक्सेस की वाइब्रेशन निकलती है। दोस्त, फेलियर के पास फेलियर की वाइब्रेशन, सक्सेस के पास सक्सेस की वाइब्रेशन। आप कुछ दिन फेलियर के साथ रह लो, आपका कुछ जिंदगी में कुछ करने का मन ना करेगा, और कुछ दिन सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ आप सिर्फ उठना बैठना चालू कर दो, आपके अंदर अपने आप एक्साइटमेंट आ जाए। हेलो, तो कितने लोग हैं सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के घर डेरा जमा सकते हैं? अब घर में नहीं जमाओ तो फोन से ही बात कर लो कम से कम, क्या उनके एसोसिएशन में आइए, ठीक है, जब भी उनका समय मिल जाए। डेरा नहीं डालना है क्योंकि अपलाइन भी बिजी है, फ्री नहीं है, वो कर सकते हैं। अगर आपने किया, देखो मैं बता रहा हूं 40,000 एक साल में आ रही आना। नंबर दो, ये सिस्टम है मीटिंग सेमिनार एंड फंक्शन, है ना, इसकी बहुत सारी मीटिंग होती है, आप उस मीटिंग में घुसना चालू कर दो, है ना। पहले तो हम लोग मीटिंग में जाते थे, पैसा लगता था, 1-1,000 रुपए, 1500-1500 रुपए टिकट देके हम लोग ने मीटिंग अटेंड करी। आजकल तो सारी मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, कई लोग ऑनलाइन भी नहीं आ सकते। अगर ऑनलाइन में आ गए तो वीडियो नहीं ऑन कर सकते। सोच के देखिए, अगर अपने घर में बैठ के हम वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो अपने आप से बात करिए कि क्या मैं ड्रीमर हूं क्या यार। अगर लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं दुनिया में, लोग पैसे कमाने के लिए, देखो कारगिल में भी लोग जॉब कर रहे हैं, -40 डिग्री में भी है, क्यों? पैसा मिलता है, मिलेगा, देश की सेवा के साथ साथ पैसा भी है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपको 40,000 एक साल में आएगा, 70,000 साल आएगा, 3 साल में 2.5 से 3 लाख कमा सकते हो मीटिंग सेमिनार आना। क्या कई लोग बोलते हैं सर मार्केट में सब्जी खरीद रहा हूँ, मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूं। मैं कह दो काम एक साथ नहीं होता,
मीटिंग को ऐसे अटेंड करना है जैसे नौकरी करते जॉब करते हैं, मीटिंग का टाइम फिक्स, रेडी होके तैयार होके बैठना पड़ेगा, तभी धंधा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दूसरा नंबर ये। तीसरे नंबर में आपको कुछ वीसीडी, आज भी हम बोल रहे हैं इसको ऑडियो सीडी सुनना पड़ेगा। ऑडियो सीडी किसकी सुनना है? जो सक्सेसफुल लोग हैं इस बिजनेस में, गुरुकुल, जो आपने एमवे ज्वाइन किया है, आप उसे डेली एक सीडी को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनिए। हम तो कहते हैं उसको ऐसे सुनिए कि तो डायरी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। जितनी बड़ी आपकी टीचेबिलिटी होगी, जितने अच्छे तरीके से आप सीखने को तैयार होंगे, उतना बड़ा आप धंधा कर देंगे, बी टीचेबल, ठीक है। तो तीसरा काम अपन को वीसीडी सुनना चालू करना सफल लोगों की। देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यही किया था, जब हम लोग ने स्टार्टिंग में बिजनेस किया तो हम लोग सीडी के दीवाने थे। हमारी अपलाइन हमेशा बोलती है ना, पाठक जी हमको हमेशा सिखाते थे क्या, कि जो व्यक्ति सीडी का दीवाना बन गया, जो मीटिंग सेमिनार का दीवाना बन गया, जो अपलाइन का दीवाना बन गया, उसके धंधे को बड़े होने से कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। और वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा, वो जहां पे भी जाएगा ना तो एक पॉजिटिव माहौल बिछा देगा, सारे निगेटिव अपने आप खत्म हो जाएंगे उसका चेहरा देख क्या। लेकिन अगर आप मीटिंग से भी, अगर आप निगेटिव लोगों की संगत में हो तो आपका चेहरा देख के लाइट गोल हो जाएगी क्या। तो बस इतना करना है, तीसरा नंबर क्लियर है ना, तीसरा। और चौथा क्या है, इसकी कुछ बुक है तो एक आदत बना ले, हर रोज बुक स्टडी। सब कुछ अपलाइन आपको नहीं सिखाएगी रोज बैठा ले क्या, किताब पढ़ने की आदत बना ले, ज्यादा नहीं 5 पेज किताब हर रोज पढ़ो। देखो सिर्फ इतना, अगर जो व्यक्ति इतना करता है ना वो आग का गोला है क्या, वो मिस्टर एक्साइटमेंट है, वो कभी उदास नहीं रहेगा, राइट। उसको देख के लग जाएगा कि ये बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है, ये लीडर है। तो ये चार काम आपके अंदर एनर्जी भरते हैं। कई लोग ऐसा लग रहा होगा कि सर शुरू में जब उन्हें एमबे ज्वाइन किया तो बड़ी एनर्जी रही, अब इतने दिनों के वो प्लान वही बेसिक, वही रेक राख, वही गड्डी बोर हो गए। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, ये चार चीजों में आप नहीं हो, इसका मतलब क्या, ये आपको ये में आ जाएंगे तो डायमंड बना के ही छोड़ेगी। मुझसे सवाल करना है, अपलाइन से कैसे संबंध है, क्या मैं मीटिंग सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, क्या मैं वीसीडी सुन रहा हूँ, क्या मैं बुक रोज पढ़ रहा हूँ, ये आपको पावर दे देगा। अब देखिए पांचवी चीज क्या है, सिस्टम के अंदर कहते हैं पांचवी चीज, ठीक है। पांचवी चीज है कि जब ये चार काम करोगे तो पांचवी चीज आप एक अपने आप करने लगोगे, उसको बोलते हैं एसटीपी, नहीं तो मन न करेगा घर के बाहर निकलना। पांचवी चीज आप एसटीपी करना चालू कर दोगे, कम से कम 1 महीने में 20 लोगों को प्लान दिखाना है, यानी 7 दिन में 5 दिन काम करो और 2 दिन की छुट्टी मारो क्या। हर जगह लोग काम करते हैं तो उनको 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। ये धंधा कहता है कि हम आपको 7 दिन में 2 दिन की छुट्टी दे देंगे, लेकिन 7 दिन में 5 दिन तो काम करना ही करना पड़ेगा, अगर आपको उनको 3 साल में 2.5 से 3 लाख कमाना है तो शोधा प्लान कर, प्लान दिखाए। छठवां काम है, ये नहीं सोचना ये बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का है, 100 PV करना सीखे। 100 PV बहुत जरूरी है क्या, ये व्यापार है, ये खाली मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है कि सर मैं मीटिंग में आता हूं तो मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, मीटिंग माने होता है ट्रेनिंग ले रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो भैया। ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप मीटिंग के बाद जाके कुछ करना चालू कर दो। करना क्या है, 100 PV करना है, कस्टमर डेवलप करना है। अगर आपके पास 10 से लेके 20 अगर आपने कस्टमर डेवलप कर लिए तो ये मान के चलो ये 100 PV में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम लोग को कोई बोले कि इसमें आपको 100 PV नहीं करना है, हमको उसके बाद भी करेंगे, क्यों, मजबूरी है, हमारे ग्राहक हमसे सामान मांगते हैं भाई। लोग को लगता है कि हम प्रोडक्ट कैसे बेचें, अरे लोग खुद मांगेंगे, 6 महीना मेहनत कर लो, ठान लो 6 महीने कि मेरे को 100 PV करना है, मेरे को कस्टमर डेवलप करना है, और इतने बढ़िया प्रोडक्ट है कि आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो छठवां काम, ठीक है। अब सातवां काम भी है, सातवां काम है टीचेबिलिटी, ये हमको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। हर ह्यूमन का नेचर होता है, हर मानव का एक नेचर होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं सब जान गया हूं, मुझे भी लगता, सबको लगता है ना। और मैं बताऊं उसी दिन हमारी ग्रोथ खत्म है जिस दिन हमको लग गया कि अब हम सब जान गए, राइट। तो बी टीचेबल, अब कैसे पता चलेगा कि मैं टीचेबल हूं कि नहीं, तो हमें खुद से बात करना है कि क्या मैं डेली बेसिस पे ऊपर के 6 काम कर रहा हूं।
अगर मैं कर रहा हूं तो मैं टीचेबल हूं, मैं नहीं कर रहा तो मैं टीचेबल नहीं, तो बी टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार है, है ना, कैसेट से, किताब से, अप्लायंस से, है ना, गेनिंग मूड में रहे। आठवां है क्या होगा, चलिए कुछ भी बोल देते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए, है ना, जिम्मेदारी लीजिए, मीन्स कभी किसी को दोष नहीं देना। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे सर मैं आपको क्या बताऊं, कोई सुनते ही नहीं है। हमने कहा आपको, आपने लोगों को दोष दे दिया। अरे यार जब इतने सारों को लोग सुनते हैं, आपको नहीं सुन रहे, आपको खुद से बात करना है कि मैं ऐसा और कौन सा नॉलेज ले लूं कि लोग मुझे सुनने लगे। क्या एक कहावत है कि जो व्यक्ति अच्छा गुरु होता है उसको कभी भी स्टूडेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट उसको अपने आप मिल जाते हैं, बसरते वो अच्छा गुरु बन जाए। दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति अच्छा स्टूडेंट होता है उसे गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपन ने कहानी सुनी थी एक राजा की, एक राजा थे, जब वो हार के गुफा के अंदर बैठे थे तो उन्होंने एक चींटी को देखा, यार वो चढ़ रही है उतर रही है, चढ़ रही उतर रही, दाने उतरने के बाद में वो चढ़ गई। तो राजा बोले वो चींटी ही मेरी गुरु बन गई, क्योंकि जब मैं टीचेबल मूड में आता हूं तो मेरे चारों तरफ ही गुरु गुरु होते हैं। कितने लोग सहमत है? अरे पेड़ से सीख लो यार, उसमें बौर आ गई तो झुक गया, नदियों से सीख लो, क्या उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, टेढ़े मेढ़े रास्ते तो अपनी मंजिल पे चली जाती है, लेकिन जरूरत है हमें टीचेबल होने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कभी भी किसी को हमें दोष नहीं देना है, राइट। तो ये आठ काम है, इसमें टिक मार लीजिए, इन्हीं को करिए। और देखो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इस बिजनेस में खाली पैसा नहीं है। क्या लास्ट में एक स्टोरी सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस बिजनेस को हम लोग क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, टीवी में खूब छाई थी, वो न्यूज थी कि एक लेडी है, उसने गोवा में जाके अपने छोटे से बच्चे को ऊपर भेज दी, राइट। उसके बारे में जब हमने ज्यादा सुना तो पता चला कि वो जो लेडी अपने बच्चे को ऊपर भेज दी वो एक कंपनी में सीईओ थी और उसकी सैलरी थी 1 करोड़ रुपए। उसका हस्बैंड भी एक कंपनी में सीईओ था, उसकी सैलरी भी थी 1 करोड़, दोनों 1-1 करोड़, यानी 2 करोड़ आता था क्या घर उसके। लेकिन सोच के देखिए, 2 करोड़ आने के बाद भी उसने बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का दोनों का तलाक हो गया था और कोर्ट ने बोला था कि जो छोटी बिटिया है वो माँ के पास रहेगी, लेकिन उसके पापा उससे हफ्ते में एक दिन मिल सकते हैं। उसके पापा ना मिल पाए इसलिए उसने ऐसा किया। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है दोस्त कि खाली पैसे से अगर हम सोचते हैं ना सुख है, तो पैसे से सुख नहीं है। जब आप इस बिजनेस में आते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, ये जो 9 core steps है, जो किताब है, जो कैसेट है, जो अपलाइन है ना, ये आपको इतना अच्छा बना देंगे कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी आपको, उसे कहते हैं अपन कंप्लीट सक्सेस। कंप्लीट हेल्थ मिलती है, गुड हेल्थ मिलती है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ मिलती है, यानी पैसा भी मिलता है, पर इन दोनों के साथ साथ क्योंकि आप अच्छे एसोसिएशन में रहते हो तो तीसरी चीज जो मिलती है वो मिलती है हैप्पीनेस। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का पैकेज अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यही। चलिए आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आई तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है तो मैं चाहूंगा उनके साथ आप एक बार और बैठें और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू एंड गुड।